संसार में हर एक मनुष्य किसी न किसी स्थान पे जाता है, कई सारे स्थानों पर वो जाता है। अब कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो स्थान पर कभी नहीं जाते। उदाहरण दूं तो कुछ ऐसे होते हैं जो मंदिर में जाते हैं, कुछ चिकित्सालय में जाते हैं, कुछ किसी के विवाह के उत्सव में जाते हैं। वही कुछ लोग नास्तिक होते हैं, वो कभी मंदिर नहीं जाते। कुछ रोगी नहीं होते, कभी चिकित्सालय नहीं जाते। कुछ ऐसे होते हैं जो सामाजिक उत्सवों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। कोई भी मनुष्य हो, कुछ भी उसका चयन हो, हर एक मनुष्य को उस स्थान पे जाना ही पड़ता है। ऐसा एक स्थान है, उस स्थान का नाम है मृत्यु द्वार। अब आवश्यक नहीं कि मृत्यु के पश्चात ही आप मृत्यु द्वार पर पहुंच जाओ। कई सारे मनुष्य मृत्यु से पूर्व भी मृत्यु द्वार तक पहुंच के लौट आए हैं और उन्होंने अनुभव किया है इस संसार के समय चक्र के समक्ष उनका अस्तित्व कितना छोटा है। वो समझ चुके हैं कि यहां बड़े ज्ञानी महान व्यक्ति थे, वो आए, उन्होंने कर्म किए हैं और अंततः उन्होंने भी मृत्यु के द्वार में प्रवेश कर ही लिया। अंततः वो भी पंच महाभूतों में समा गए। तो फिर आपको किस बात का अहंकार है? ये जीवन सदा के लिए नहीं है, कब तक ये जीवन चलेगा ये भी हमें ज्ञात नहीं है। तो इस जीवन को जिए, इस जीवन के हर एक क्षण को कुछ इस प्रकार जिए, ये सोच के जिए कि क्या पता कब मृत्यु के द्वार में हमें प्रवेश करना पड़ जाए। नहीं, आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। Thank you.